कि कैसे हम लागो देखी में ये हाइकिंग कर रहे हैं जो आज तक की सबसे टफेस्ट हाइकिंग हुई। ये 40 किलोमीटर की हाइकिंग है, 3 दिन की हाइकिंग है। हे व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग मना में तिबलिसी जॉर्जिया से। तो आज एक नया ट्रिप चालू होने वाला है और वो होने वाला लागो देखी के लिए 3 दिन की हाइक है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी टैक्सी आ चुकी है कुछ दोस्तों के साथ में और ये हमारी टैक्सी और ये सारी गैंग फिट हो चुकी है। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे ईशानी मेट्रो पे। तो यहाँ से मातसूद का और आप टैक्सी भी ले सकते हो। हम 5 जने तो हमने टैक्सी ले ली। मातसूद का प्राइस 8 से 10 जेल है और जो टैक्सी का है वो हमने 60 लारी में बुक कर ली हम 5 जनों के लिए, तो सस्ती पड़ रही है। तो यहाँ से हम लागो देखी जा रहे हैं। तो लागो देखी हम पहले भी गए वो, पर अभी क्यों जा रहे हैं क्योंकि हम 3 दिन की हाइक करने वाले हैं। तो वो मैं आपको पूरा टैक्सी के अंदर बताता हूँ। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं सिगनागी के पास में। तो मैं आपको पूरा सही से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो ट्रिप है वो है तिबलिसी से लागो देखी के लिए। तो बेसिकली लागो देखी मैं लास्ट ईयर भी गया था, तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस बार हम 3 दिन की ट्रैक करने वाले हैं लागो देखी से ब्लैक रॉक लेक के लिए। तो वो जो लेक है ना वो अलग है एकदम, क्योंकि जो बेसिकली जो लेक है ना वो जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर के बीच में है, तो वहाँ पे जाने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो वो हम ले लेंगे आज जाके। तो इस व्लॉग में मैं बेसिकली अभी हम लागो देखी जाएंगे तो मैं परमिशन कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ और वहाँ पे कहाँ रुकने वाले हैं वो भी बताता हूँ। फिर 3 दिन का है ना उसमें कैंपिंग करूँगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, तो वो भी देखते हैं। तो अगर आप लागो देखी जा रहे हो तिबलिसी से तो आप ईशानी मेट्रो जाओ। ईशानी मेट्रो के बाद आपको टैक्सी भी मिल जाएगी और वहाँ से मातसूद का भी मिल जाएगी। अगर आप 4-5 लोग हैं तो प्रॉब्ली आप टैक्सी कर लो, टैक्सी सस्ती पड़ेगी। मतलब सस्ती नहीं, सेम प्राइस में पड़ेगी, पर टैक्सी में अपना ही वो खुद का मज़ा अलग है। नहीं तो आप मातसूद का में जा सकते हो। मातसूद का प्राइस 8 से 10 लाख के बीच वरी करता है। अभी हमने जो ये टैक्सी की है पुरानी है, सोवियत टाइम की टैक्सी है, पर बढ़िया है, एकदम कम्फर्टेबल है, मर्सिडीज बेंच। तो इसका जो प्राइस है इसने बोला 60 लारी। चलो, और मेरे साथ में मेरे 4 दोस्त और हैं, तो हम टोटल 5 लोग मिलकर हाइक ट्रैक करने वाले हैं। और सिमरन इधर तो देख, बिल्कुल भी नहीं देख, इधर देख, बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। ये हमारा लीडर है। कहाँ जा रहे? कहीं नहीं जा रहे हम। ये हमको लेके जा रहा है आज लागो देखी, देखते हैं। तो फिलहाल लागो देखी जाने के समय बीच में एक बस स्टॉप आता है, वहाँ रुके हुए हैं। यहाँ पे पानी वानी भर लेते हैं और खाने पीने का देख लेते हैं, फिर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है वो है यहाँ की जॉर्जियन स्वीट्स। बेसिकली ये जो बनी होती है वो हनी कोटिंग से बनी होती है और अंदर इसके नट्स होते हैं, इसको बोलते हैं चुर्च खेला, और काफ़ी अच्छी है टेस्टी में उसे। फाइनली हम है लागो देखी के अंदर। तो अभी लागो देखी पहुंच गए, लागो देखी में अब फटाफट हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और उसके बाद देखेंगे अभी कि क्या करना है होटल वगैरह का। ये आपने पिछली बार व्लॉग में भी देखा होगा, ये है टोटल। और इसमें दूसरी चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो 2 हाइक है, एक तो ब्लैक रॉक लेक के लिए है और एक ग्रे ग्रूस वाटरफॉल। वाटरफॉल वाली तो 9 किलोमीटर की है, तो हम ग्रे ग्रूस ब्लैक रॉक लेक करेंगे जो कि टोटल में 42 किलोमीटर की आई है और 3 दिन की आई है। Mr. Santa Special is here. As he told me, he wanted to go to the Black Rock Lake tomorrow, which I told you, I repeat, so this is not easy trail. This is a difficult path. It takes us 3 days. So first day, this is the starting point, go to the meteor station. Second day, go to the military checkpoint to see, do your registration, see the lake. Second day, this is the one. First one, second day, second. This is the 13 kilometer, 12 kilometer, 3 kilometer,
and then 16 kilometers. The trail starts from the corner, which is information born down there, so this is the starting point. You have to take a walk from the corner all the way up direction to the north, just walk straight, approximately 400 meters. So we have a fork in the trail. A fork, that means the road splits and you have to keep right hand side. So there is a post. Post has two arrows. The left one goes to the Black Rose waterfall, and right hand side it keeps to go to the lake. Shelter and then the lake. So take the water here, tap water or spring water, I don't know which one you prefer to buy. Buy it. And then stream. When you take a walk all the way up 400 meters, keep right hand side and then take a walk. After 1.5 kilometer from here to 1.5 kilometers, there is a stream. So only two points you have the water, here and the stream. After the stream, until the metal station, we don't have any kind of water. So keep it in your mind to have enough water. Well, तो अभी हम visitor center पे registration वगैरह कल सुबह करेंगे. नहीं झूठ बोल रहा है. इतना झूठ. तो visitor center पे काम हो चुका है. अब जा रहे हम हमारे hostel ढूंढने के लिए. ये भी झूठ. ये तो कहाँ जा रहे हैं फिर बता. बैग लेके. तो अभी हम जा रहे हैं hostel ढूंढने. फटाफट hostel ढूंढते हैं. चेंज करते हैं वहाँ पे और फिर निकलते हैं. अभी शाम का खाना खाने के लिए इंतजाम करते हैं. चलो चलो मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ, वैसे वीडियो मिला नहीं है. तो ये जो सबसे पीछे चल रहा है, इसको तो आप जानते नहीं हो और जानना भी नहीं इसको. ये है आदव, से हाय. और वो है सिमरान, सिमरान नितला. और ये अभी हबीब भाई. और इस इंसान को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको अपडेट दे दे, जो मेरे पिछले व्लॉग देखते हैं उन्होंने लागू देखी का अगर वीडियो देखा तो हम पिछली बार एक हॉस्टल में रहे थे ऐसी करके, तो इस बार भी हम वहीं पे बुक किया हमने, तो वहीं जा रहे हैं. प्राइस वगैरह वहाँ जाके बताता हूँ. और थोड़ा सा दूर है इससे विजिटर सेंटर से, उसके पास में भी काफ़ी सारे थे तो हमने उससे बात कर ली, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते. वैसे कल अर्ली मॉर्निंग हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा. चलो तो वहीं जा रहे हैं अभी, और फिर वहाँ का छोटा सा टूर भी दे देंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, काफ़ी अच्छा है. और ये भैया को आप हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम वहाँ विजिटर सेंटर में क्या करने बुक करने गए थे रजिस्ट्रेशन करवाने, तो वो बार बार कह रहा था कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो वो इसकी तरफ इशारा कर रहा था. देख लो ये इंसान, देख लो भाई अच्छे से देख लो. देख लो और कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो अभी हमारे हॉस्टल आ चुके हैं, मैं हॉस्टल का आपको एक टूर देता था छोटा सा. पिछली बार हम नीचे रुके थे तो इस बार अलग रुके हुए हैं. ये हॉस्टल का गार्डन जो मैं बाद में बताता हूँ, और नीचे का एरिया अभी आपको अंदर ऊपर का एरिया बताता हूँ फटाफट से. ये एंट्रेंस है बेसिकली, और ये एक वॉशरूम है यहाँ पर और एक नीचे दिया हुआ है. ये किचन का एरिया है, यहाँ पर कुक वगैरह कर सकते हो, जिनसे परमिशन ले लेंगे हम. और उसके बाद में चिकन बना दिया. ये बालकनी है और इस सोफे पे आज हमारे सिमरन भैया सोने वाले, मैं सोऊंगा. और ये रूम है जिसमें चार बेड लगे हुए, तो टोटल हम पांच लोग हैं. तो टोटल हम पांच लोग हैं और 60 लारी में बात हुई है, तो सही है 12 लारी और क्या चाहिए. बाकी रूम अभी आपको दिखाते हैं, रूम अंदर सेट हो रहा है. बेल तो ये है रूम, और यहाँ पर लगे हुए 1 2 3 4 बेड यहाँ पर लगे हुए, और बाहर सोफ़ा है जो बेड में बन जाता है, तो 7 लाइन में यही होता है. बोल बिल्कुल. तो यही रूम है और क्या है, झूठ है झूठ. और सब कुछ झूठ बोल रहा है. क्या झूठ बता, एक एक बात बता, कितने पैसे दिए इसके? सारा झूठ है, बेवकूफ बना रहा था. चलो तो आज रात को हम बनाने वाले चिकन, ये भी झूठ है. ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा आपको. चलो चलो फटाफट चेंज करो और हम जा रहे हैं फिर यहाँ से रेस्टोरेंट और क्या निकोरा विकोरा शॉप जाते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं. हर एक चीज़ की वीडियो बननी चाहिए बना सुन भाई. तो अभी सामान वामान सारा ले लिया, अब हम जा रहे हैं हमारे हॉस्टल. बिल्कुल झूठ है, ये देख लो ये रहा सामान. इस झूठे इंसान की बात नहीं सुननी. और पास में ही हमारा जस्ट, और इसके जस्ट पास में 24/7 है, तो कोई लोड नहीं है. अब इसके बाद हम जाएंगे मस्त चिकन वगैरह बनाएंगे और फिर आगे बात करते हैं. ये है हमारा गेस्ट हाउस,
वेल तो फिलहाल हमारे गेस्ट हाउस में ज़्यादा लाइट की कमी है तो थोड़ा अंदर अंदर लगेगा, उसके लिए माफ़ी। तो अभी हम हमारा रात का डिनर बनाने वाले हैं तो उसके लिए तैयारी चल रही है। सिमू भाई हमारे काट रहे हैं प्याज और बाकी हबीब भाई और तला भी काट रहे हैं प्याज और ये बिल्ली आ गई फिर से और ये चिकन बाउल कर दिया है ये बाउल हो रहा है, आज बनाएंगे हम चिकन करी और हुआ तो यहाँ पे जॉर्जन को भी खिलाएंगे, देखते हैं। वेल गाइस तो खाना वगैरह प्रिपेयर हो चुका है, अब बस खाना खाएंगे और आज रात को जल्दी सो जाएंगे क्योंकि हमको आगे 3 दिन 40 किलोमीटर कवर करना है। तो चलो, तो अब तक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अब कल सुबह मिलते हैं, अभी ऑलमोस्ट खाना खा के सो जाएंगे या थोड़ी देर गेम वेम खेलेंगे। चलो चलो बाय कर दो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सब्सक्राइब कर देना।